तो गाइस ये है बाहर से मंदिर का व्यू, तो आप मंदिर का व्यू बाहर से देखिए। तो गाइस देखिए पूरे में बादल ही बादल आपको दिखाई देंगे। तो गाइस पहुंच चुके हैं नीलकंठ और जहाँ था वाटरफॉल नीलगढ़ वाले, और पहुंच गए हम नीलकंठ। तो और ये अपने भाई और दो भाई ले रहे हैं प्रसाद, तो इनसे पूछते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बस बढ़िया रहा। और ये यज्ञ ये बताएगा तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन। तो लेट्स गो, दिखाते हैं अभी आपको, अंदर चलते हैं और नहाते भी हैं। और ये भाई ले रहे हैं प्रसाद, देखो। और ये पूरी तो पहले ये देख लो आप, और यहाँ पे ऐसी आपको बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी, दूर दूर तक दोस्तों दुकान ही दुकानें मिलेंगी आपको। ऐसे छोटे छोटे वेंडर मिल जाएंगे जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो और अपना सामान भी यहाँ रख सकते हो। तो भाई पीछे थोड़ी प्रसाद के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा ले कौन सा ना ले, और अभी चलते हैं थोड़ा आगे की साइड और दिखाते हैं आपको आगे का व्यू कैसा है। और सामने मैं आपको अभी पहाड़ दिखा देता हूँ, जो सामने पहाड़ हमें दिखाई दे रहे हैं। तो व्यू देखिए सामने का गाइस, ये है सामने नीलकंठ के पहाड़, और अपनी बाइक जो है वो खड़ी है तीनों ये सामने। गाइस हम ले चुके हैं प्रसाद, और प्रसाद की पूरी एक थाली ले ली है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। एक डमरू है, एक डमरू है वगैरह, प्रसाद है, ये गुलाब जल है, और बहुत सारा जनेब है, और इसमें कलावा भी है, जो मन्नत वगैरह मांगते हो तो आप वहाँ पे बांध सकते हो। और पीछे पानी भी है, वाटर भी है। तो लेट्स गो चलते हैं ले गए। और गाइस भीड़ बहुत ज़्यादा है, और इस समय बजे हैं टाइम 3:30, और 3:30 बजे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और जैसे कि आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रही होगी, बहुत से भाई आ रहे हैं जा रहे हैं, और इस समय हम भी जा रहे हैं दोस्तों। तो अभी मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ। तो गाइस ये तो बहुत सारी दुकानें आपको ऐसी मिल जाएंगी, और आई थिंक ये मंदिर का मेन गेट है। तो चलते हैं पहले नहाने के लिए, और ये जो रास्ता है ये नहाने वाला नीचे वाटरफॉल टाइप का है। तो लेट्स गो, अपने ये एक भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, चौथे भाई, तो ये बजा दिया हमने क्या घंटा। तो दोस्तों जिसने अभी तक घंटा नहीं बजाया हो तो घंटा बजा दो, और हम जा रहे हैं नीचे नहाने। और ये आपको ऐसे जगह जगह प्रसाद वगैरह की दुकानें मिल जाएंगी, स्टॉल मिल जाएंगे। तो देखते हैं कहाँ पे हैं नहाने। पीछे देखो बहुत से भाई लोग नहा रहे हैं और हम भी नहाने जा रहे हैं, तो पहले कर लेते हैं तैयारी। और एक भाई ये बैठे हैं, ये ले रहे हैं मज़े, दो भाई ये खड़े, और एक भाई ये तैयारी में लग गया, सबसे पहले लग गया भैया नहाने के लिए, नहाने के लिए सबसे रेडी सबसे पहले। तो लेट्स गो चलते हैं नीचे की साइड, और मिलते हैं आपको सीधे नीचे वाटरफॉल में। हैं नहाने के लिए, हाँ 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 भाई साहब बहुत ठंडा पानी है, पानी वाटरफॉल, एक वाटरफॉल पीछे है, तो एक वाटरफॉल आपका ये है तगड़ा वाला। चलते हैं किसमें चलते हैं पहले। तो गाइस नहा चुके हैं और बहुत मज़ा आ गया, सही हो चुका है पूरा ठंडा, और चलते हैं वापस मंदिर में। मंदिर को एक वाटरफॉल ये था अपना, और एक अपना वाटरफॉल था पीछे साइड। तो अभी भाई लोग नहा रहे हैं, और यहाँ भी हम नहाए हैं, तो केवल तीन भाई लोग नहाए हैं, एक दो और तीन नहाया ये केवल खाली ऊपर ऊपर से नहाया ऊपर ऊपर से। तो चलते हैं वापस, और बहुत हो चुका है स्नान, तो लेट्स स्नान करके। और सामने ही लगी हुई है लाइन मंदिर मंदिर जाने के लिए, तो पहले हम गाइस अब जा रहे हैं हम मंदिर के अंदर, और हो सकता है मौका मिला तो मैं आपको मंदिर के अंदर दिखा दूंगा, नहीं तो मैं आपको दर्शन करने के बाद ही मिलते हैं। तो लेट्स गो, और मंदिर के अंदर वैसे वही फोटो खींचना मना है, तो केवल बाहर बाहर से दिखा देते हैं फिर वहाँ।
तो भाई लोग कर रहे हैं तैयारी अपने, जो इन्होंने प्रसाद लिया था उसे खोल के तैयार कर रहे हैं कि ताकि अंदर जाके एकदम से हम उसे चढ़ा दें। और यह है मंदिर का रास्ता, और मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। तो दोस्तों ये मंदिर है, यह मंदिर महाराज, ये मंदिर यहाँ है। जय गाइस, ये है बाहर से मंदिर का व्यू। तो आप मंदिर का व्यू बाहर से देखिए, और काफ़ी सारे भाइयों ने यहाँ पे कुछ अपनी मन्नतें मांग रखी है तो मानते हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत से भाई लोग अपनी मन्नतें मांगते हुए और धागा बांधते हुए। एक ये है सिद्ध समाधि स्थल, क्या चीज़, तो गाइस कर चुके हैं नीलकंठ बाबा के दर्शन। और एक दफ़ा मैं एक बार आपको 360 व्यू दिखा देता हूँ। तो ये है इसका 360 व्यू, और आप कैसा लगा आपको ये नीचे बताएं, कमेंट करिएगा। और मंदिर के आपको दो तीन रास्ते मिल जाएंगे। तो एक रास्ता आपका ये है ऊपर की साइड, एक रास्ता इस साइड से भी है, और एक पैदल वालों का रास्ता वो है। तो ये तीन चार गेट बना रखे हैं, यहाँ से आप कहीं से भी अंदर जाके बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और गाइस पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे नीलकंठ, तो फीलिंग जो है बहुत अच्छी आ रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और भाइयों ने फ़ोटो सेशन भी कर लिया है, तो जिन जिन को भाई के भाई फ़ोटो देखने हो तो नीचे मेरे फ़ोटो देखने हो तो भाई नीचे इंस्टाग्राम की आईडी आ जाएगी, वहाँ जाके आप यहाँ मेरे फ़ोटो चेकआउट कर सकते हैं और मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं अब यहाँ से। तो गाइस यदि यहाँ से आपको शॉपिंग करना चाहते हो तो शॉपिंग भी कर सकते हो। तो बहुत से भाई लोग यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं। और ये आपका कुछ मंदिर इस तरीके का है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। और फीलिंग, और सावन के टाइम पर दोस्तों यहाँ पे ना आए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा रश होता है। तो हम तो सावन के बाद आए हैं, हमें दर्शन बहुत बढ़िया हुए हैं। तो चलो चलते हैं वापस घर की। तो गाइस बहुत सारा आपको सामान मिल जाएगा। तो देखो कितने बढ़िया तरीके से भाई ने अपनी शॉप को सजा रखा है। तो यहाँ आपको अधिकतर सारी चीज़ ही मिल जाएंगी, तो कड़े वगैरह आपका डमरू वगैरह सब मिल जाएंगे। मंदिर किधर, यही है, ये इन्हीं की शॉप है। और अपने भाई लोग कुछ यहाँ से देखो शॉपिंग वगैरह करते हुए। तो बहुत बढ़िया, भाई ने अपनी शॉप को अच्छी तरह डेकोरेट कर रखा है। और ये आपको बिल्कुल मंदिर के बाहर ही मिल जाएगी शॉप। कड़ाई वगैरह आप बहुत आर्टिकल मिल रहे हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं होटल में और भूख लगी थी इस वक्त बहुत तेज। ये पानी ला दियो, दूध रहे हो। तो हमने मंगवाए हैं ब्रेड पकौड़ा, भाई है आ चुके हैं पकौड़े, और ये लिया जा रहा है पानी दूध ला दी। तो पहले ब्रेड पकौड़ा खा लेते हैं, फिर बाकी एक चीज़ और है। दर्शन जैसे ही हमने पूरे अपने कम्प्लीट कर लिए हैं और फोटो वगैरह हमारी पूरी हो चुकी थी, जैसे ही हम खाने बैठे हो चुकी है स्टार्ट बारिश। जो हमें यहाँ आए थे तो धूप थी, अब स्टार्ट हो चुकी है बारिश। जी के लिए जा रहे हैं आनंद टाइम में, नीचे खाना खा कर खाना दे।
पत्थर बाईस पत्थर पड़ा बढ़िया सही है ठीक ही है पर ठीक है अभी तो दोस्तों इससे ही काम चलाना पड़ेगा खाने का बाद में देखा जाएगा क्या करेंगे। गाइस हो चुके हैं नीलकंठ के दर्शन और अब चल रहे हैं हम वापस अपने घर की ओर और बाइक हो चुके हैं रेडी तो लेट्स गो और निकलते हैं यहाँ से। तो रास्ते में गाइस हो सकता है हमें मिल जाए बारिश तो देखते हैं लेट्स सी। और देखो गाइस अभी भी बहुत से लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए। गाइस शाम के 7 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है तो आप आ सकते हो और मंदिर में दर्शन कर सकते हो। तो गाइस देखिए पूरे में बादल ही बादल आपको दिखाई देंगे और बादल ही बादल याहू। तो व्यू देखिए गाइस व्यू एक बार व्यू हल्की सी पहाड़ों पर बारिश हो जाती है तो पूरे जो बादल होते हैं वो नीचे आ गए और हम उनसे ऊंचे हैं बादल हमसे नीचे हैं और सामने यहाँ सनसेट होता हुआ और कुछ टाइम के बाद ये जो सन है अपना टॉप ऑफ द हिल के पीछे चला जाएगा पहाड़ी के पीछे। और एक अभी हमें मंदिर दिखाई दिया है गाइस मैं आपको वो दिखाता हूँ आई थिंक वहाँ वो ऊंचा सा है आई होप आपको कैप्चर हो रहा हो। तो गाइस पहाड़ों पे बारिश के बाद जो मौसम बन जाता है बहुत ही अल्टीमेट हो जाता है ऐसे काफ़ी सारे बादल आपको दिखाई दे जाएंगे और हो सकता है कहीं हमारे बीच में रोड के बीच में भी आ जाए तो हो सकता है हम भी निकले हैं बादलों के बीच में तो लेट्स सी लेट्स गो। तो गाइस सामने का व्यू देखिए आप कितना बढ़िया है और बारिश के बाद जो मौसम हो गया बहुत ही एक नंबर हो चुका है। तो गाइस व्यू देखिए आप सामने एक बार और कैसा पहाड़ पे बादल रुके पड़े हैं और बाइक का रखिए ड्राइव गाइस अभी हमने बंद और हमारी बाइक ऐसी फिसलती चली जा रही है नीचे को अपने आप ही तो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे थे दोस्तों हम और देखो बिना ऑन करे ही बिना स्टार्ट करे ही नाम नीचे जा रही है और स्पीड चल रही है इस समय 22। ये देखिए कितने नीचे है बादल तो केवल आपको दूर दूर तक बादल ही दिखाई देंगे और यही मजे होते हैं व्यू के और पीछे अपने भाई लेते हुए एंजॉय। आज की जो राइड है हमारी सक्सेस हो चुकी है और हमें सब कुछ मिल चुका बारिश भी मिल गई है बादल भी मिल गए और सब कुछ मिल गया और भाई ले रहे हैं बाय बाय कर रहे हैं मजे लेते हुए तो लेट्स गो चलते हैं। हम आए हैं उस वाली रोड से देखो आपको वहाँ रोड रात पे आते हुए दिखाई दे देंगे सामने से आपको गाड़ी आती हुई दिखाई दे देंगे और ये घूमते हुए आप आ गए हम इस वाली रोड पे तो पहाड़ टू पहाड़ हम क्रॉस करते चले जा रहे हैं तो लेट्स गो। और ऐसे छोटे छोटे नज़ारों का मज़ा लेते हुए साथ में आपको दिलाते हुए और पहाड़ों पे यदि आओ और थोड़ी एक्टिविटी और एडवेंचर्स ना करो तो गाइस ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपका भाई पहाड़ों पे जाए और एडवेंचर्स ना करे तो इम्पॉसिबल। तो एक भाई चले गए आगे एक भाई रह गए पीछे और मैं चल रहा हूँ इस समय बीच में। तो ग्रीनरी देखिए दोस्तों आप किसी को कितनी आपको आई होप आपको कैमरे में कैप्चर हो रही होगी कि दोनों साइड बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है तो ऐसे छोटे छोटे से वाटरफॉल आपको देखने को काफ़ी मिल जाएंगे और इनको क्रॉस करने में भी बड़ा मज़ा आएगा।
इस समय बजाए 6 और हम पहुंचने वाले हैं ऋषिकेश राम झूला के पास, और जो अंधेरा है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो पहाड़ों पे जो है अंधेरा कुछ जल्दी हो जाता है, और ऋषिकेश यहाँ से बजाए अभी 14 किलोमीटर। तो लो जी गाइस, हो चुकी है स्टार्ट बारिश, और यदि ज़्यादा तेज़ होती है तो फिर हमें कहीं रोकनी पड़ेगी। तो बारिश तो दोस्तों धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो गाइस, हम ऋषिकेश पहुँचने वाले हैं, और उससे पहले ही पड़ चुकी है बारिश, और बहुत तेज़ पड़ी है दोस्तों बारिश ये। तो आई होप आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो हम तो गए हैं फंस, तो ये देखिए गाइस कितनी तेज़ बारिश पड़ रही है, और ये खड़ी अपनी बाइक है। हम पहुँच चुके हैं राम झूले के पे, और ये इसका नाइट का व्यू है। तो आप व्यू के नज़ारों के मज़े लीजिए, और लुक बहुत बढ़िया है। पहुंच चुके हैं राम झूले पे, और वाइब्स जो आ रही है बहुत ही बढ़िया आ रही है गाइस। ठंडी ठंडी हवा लग रही है। हम खड़े हैं राम झूले पे, और मैं आपको एक 360 व्यू दिखा देता हूँ कि नाइट के टाइम पे जो 360 व्यू है वो कैसा है। और ये खड़े अपने दो भाई, और ये देखो पूरा राम झूले 360 व्यू है। ऊपर आई थिंक पहाड़ों पर हो रही है बारिश, तो आप 360 व्यू देखिए राम झूले से। तो गाइस चलती हैं हम यहाँ से आगे की ओर, और राम झूले को क्रॉस करते हुए, और रात के समय बजे हैं गाइस 8। तो काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो गाइस, आपको ऋषिकेश और हरिद्वार में काफ़ी अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टी मिल जाएगी, यहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हो, और खाने पीने की दोस्तों कोई कमी नहीं है। और काफ़ी रश है भाई, काफ़ी रश है। तो लो जी गाइस, फंस चुके हैं जाम में, और जाम है बहुत तगड़ा। तो अभी तो देखा जाए तो इसी केस में ही घूम रहे हैं हम, अभी तो हमें हरिद्वार भी नहीं पहुँचे। वाटर क्रॉसिंग इसी केस में भी मिल गई हमको। बहुत तगड़ी वाली भाई साहब। फाइनली गाइस, बड़ी देर के बाद इसी केस का जो जाम था उससे निकल चुके हैं, और आगे हम बढ़ चुके हैं हरिद्वार की ओर। तो बस गाइस, हरिद्वार में निकलना चाहिए ऐसा जाम। और रोड जो है अभी तक की बहुत बढ़िया है उत्तराखंडी की। तो गाइस, बहुत ही सुपीरियर रोड बनी हुई है आपकी ऋषिकेश से हरिद्वार वाला जो ये हाईवे है, और 2 लेन हाईवे है, पर बहुत ही बढ़िया है। तो रात को भी आप इसमें अच्छी खासी स्पीड मेंटेन कर सकते हो। पहुंच चुके हैं हरिद्वार,
तो गाइस पहुंच चुके हैं हरिद्वार, और हरिद्वार में इस समय हम भर रहे हैं जल, और पानी का वेग देखिए आप कितना तेज है। तो दो भाई आ रहे हैं, दो भाई ये बैठे। तो अभी तक की जो ट्रिप रहा हमारा बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही अच्छा रहा, और रोड भी हमें काफ़ी अच्छी मिली है, और दो तीन जगह हमें रास्ते में मिली थी बारिश, तो बारिश को के चक्कर में हम हो गए हैं थोड़ा लेट। और इस समय बज रहे हैं रात के 9 बज रहे हैं, तो 9 बजे हम खड़े हैं हरिद्वार में। तो अब थोड़ी देर में यहाँ से हम निकलते हैं, और घर पहुँचने में हमें बच जाएंगे 11। तो भाई ने भर लिया है जल, और आगे है आपका हल्की पैड़ी हाथी वाला पुल, और हम थोड़े पीछे की साइड से ही जल भर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हमें पूरा घूम के जाना पड़ता। तो आप एक बार व्यू देख लीजिए, तो पानी इस समय बहुत तेज चल रहा है, हो सकता है आई होप आपको आवाज़ भी आ रही हो। तो गाइस खड़े हैं हम हरिद्वार में, और निकलने की हो गई है तैयारी, और सारे भाई लोग ये खड़े हैं, और इस इधर की साइड से देखेंगे सबके चेहरे। तो आज की जो राइड है बहुत ही बढ़िया रही। ये रहे हमारी गंगा, पीछे पीछे बह रही है, बहुत अच्छा बहेगा, बारिश बहुत हुई है, तीन बार बारिश पड़ी है, तीन बार। तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं आगे। तो गाइस पहुँच चुके हैं नगीना, और नगीना तुलाराम के यहाँ से हमने ले लिए हैं रसगुल्ले, और जो आज की राइड थी बहुत ही बढ़िया रही, बहुत ही ज़बरदस्त रही। और इस समय रात के बजे हैं 11, तो गाइस 11 बजे अभी हम नगीना पहुँचे हैं, तो और आधे घंटे के बाद पहुँचेंगे हम घर। तो आज की वीडियो दोस्तों मैं यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि आगे जो है बिल्कुल रोड में कुछ खास दिखाने को रहेगा नहीं, तो मैं आज की वीडियो को यहीं करता हूँ स्टॉप। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, साइनिंग ऑफ अमन जोन राइडर। और जिस भाई ने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब अपने भाई के चैनल को, तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और यदि वीडियो आपको आज की पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और एक छोटा सा कमेंट करें, और मैं आपके लिए ऐसी और भी वीडियो और भी नई नई राइडें लाता रहूँगा। और बाय बाय।